उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने के निर्देश दिए। सीएम ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद प्रयागराज जाने के निर्देश भी दिए। अब प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद प्रयागराज की कमान संभालेंगे। इससे पहले वो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने भी सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर चर्चा की थी। समझा जाता है कि स्पेशल डीजी ने सीएम योगी को अतीक और अशरफ के हादसे से जुड़े घटनाक्रम और मौजूदा परिस्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कई बड़े खुलासे किए। वहीं अतीक और अशरफ के हादसे के बाद प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई। इसके साथ ही पीएससी और आरएफएल बल भी तैनात किया गया। इसके अलावा जिले के सीमाएं भी सील कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पूरे मामले को उच्च स्तरीय पर जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन का गठन किया और उन्हें निर्देश भी दिया। तीनों हमलावर मौके पर पकड़े गए और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो ये है पूरी खबर, जहां पर अशरफ और अतीक के इस हादसे के बाद एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ।